जी मैं हूँ अब्दुल रजाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जांपल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर है जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी करता हूँ उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपोलोजाइज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा किया जिसमें अब्दुल रज़ाक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज और पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ ऑलराउंडर थे जिन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया और अच्छी क्रिकेट खेली और अच्छे लफ्ज़ों में पूरी दुनिया में अब्दुल रज़ाक को याद किया जाता है। लेकिन गलती जो है वो इंसान से किसी भी टाइम हो सकती है, इंसान की ज़बान फिसल सकती है। ऐसा ही कुछ अब्दुल रज़ाक के साथ हुआ जो कि कल एक फंक्शन में मौजूद थे जिसमें एक्स क्रिकेटर्स जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 से शिकस्त से दो चार होकर वतन वापस लौटी है तो इस सिचुएशन में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मरकूज़ हैं और यकीनन पूरी कौम जो है वो भी सदमे से दो चार है। तो इसी टाइम पे अब्दुल रज़ाक साहब जो कि नामी गिरामी क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में बल्कि इंडियन में इंडियन फैन फॉलोइंग भी रखते हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी क्रिकेट पे कि अगर मेरी ऐश्वर्या राय से शादी हो जाए तो क्या मैं अच्छे बच्चों की एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। तो खैर उनकी ये ज़बान फिसल गई या जिस तरह से भी उनकी ये ज़बान से निकला उन्होंने अपनी बात पे ये सॉरी बोला है और उन्होंने अपना ये बयान भी रिकॉर्ड किया है। यकीनन इंसान से गलती हो जाती, इंसान ख़ता का पुतला है। तो ये अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अब्दुल रज़ाक साहब को इस बात का एतराफ़ हुआ और उन्होंने अपनी बात को तस्लीम किया और सॉरी बोला। बल्कि इस पर साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने और शाहिद अफरीदी ने, मुश्ताक अहमद साहब ने भी इस बात को कंडेम किया है और बल्कि शाहिद अफरीदी ने ही अब्दुल रज़ाक को इस बात पर फोर्स किया कि उन्होंने ये गलत किया है और अपनी बात पर वो सॉरी बोले, जिस पर अब्दुल रज़ाक ने बर वक्त ये माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया और उन्होंने अपना ये बयान रिकॉर्ड किया है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक नेशनल खिलाड़ी हैं, कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है, आप बतौर मॉडल एक इंटरनेशनल क्रिकेटर माने जाते हैं, पूरी दुनिया में आपका एक नाम होता है, तो मेरे ख्याल से आप को लोग जो है वो आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो है वाइब्स देखना चाहते हैं ना कि नेगेटिव। आप मुआशरे में अच्छे और बुरे अगर आप अच्छा करते हैं तो पूरी दुनिया में आपका इमेज अच्छा जाता है। बल्कि एक आई थिंक एक नेशनल प्लेयर को जो कि कौमी टीम की तरफ से खेला हो, किसी भी नेशन से खेला हो, उसको अपने बयानबाजी से मोहतात रहना चाहिए और उसको फिक्राबाजी में ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा। खैर ये अब्दुल रज़ाक साहब का अच्छा जेस्चर है जो कि पूरी दुनिया में गया है, उन्होंने अपनी बात का गलती का एतराफ़ किया और उन्होंने इस पर सॉरी बोला है।